दोस्तों, जैसा कि आप लोगों को पता ही होगा, 5 सितंबर को सिनेमाघर में रिलीज हुई थी विजय थालापति की मच अवेटेड फिल्म दोस्तों, द ग्रेटेस्ट ऑफ ऑल टाइम। दोस्तों, ये फिल्म सिनेमाघरों में पूरे के पूरे 8 दिन कंप्लीट कर चुकी है। तो वहीं आज इस फिल्म को पूरी दुनिया भर के सिनेमाघरों में रिलीज हुए 9वां दिन चल रहा है। और दोस्तों, आप लोग बिलीव नहीं करेंगे कि अभी भी ये फिल्म बॉक्स पर अपनी मजबूत पकड़ बनाकर जोरदार कमाई कर रही है। जी हाँ दोस्तों, फिल्म की कलेक्शन हमें अभी भी ताबड़तोड़ देखने को मिल रही है। तो दोस्तों, आज इस वीडियो में हम बात करेंगे आज इस फिल्म के 9वें दिन के इंडिया नेट कलेक्शन के बारे में। जानेंगे कि दोस्तों, द ग्रेटेस्ट ऑफ ऑल टाइम फिल्म में पूरे 9 दिनों में टोटल इंडिया सेनेट, इंडिया ग्रोस ओवरसीज और पूरे वर्ल्ड से कितने करोड़ रुपए के करीब कलेक्शन कर रही है। वहीं दोस्तों, जानेंगे कि फिलहाल इस फिल्म को ऑडियंस की तरफ से कैसा रिस्पांस मिल रहा है, इस फिल्म का बजट कितना है, ये फिल्म बॉक्स पर हिट रही, सुपर हिट रही, ब्लॉकबस्टर रही या फिर ऑल टाइम ब्लॉकबस्टर रही, ये सभी जानकारी आज की इस वीडियो में मैं आप तक पहुंचाने वाला हूं। तो दोस्तों, बस आप लोग मेरे इस वीडियो के साथ आखिरी तक बने रहिएगा। उससे पहले, अगर आप लोग विजय थालापति को दिल से लाइक करते हैं या फिर उनकी आप लोग वन साइड फैन है, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके इस वीडियो को लाइक जरूर से कर दीजिएगा। दोस्तों, अगर इस फिल्म की जितनी तारीफ कर ली जाए उतनी ही कम है। जी हाँ दोस्तों, ऐसा मैं यूं ही नहीं कह रहा हूँ, बल्कि आप लोगों को अच्छी तरीके से पता ही होगा कि फिलहाल सिनेमाघरों में बॉलीवुड और साउथ की एक से बढ़ के एक बड़ी फिल्में चल रही है। अब किन किन फिल्मों का मैं नाम लूँ, फिर भी दोस्तों उन सभी के बीच ये फिल्म बॉक्स पर ऐतिहासिक कमाई कर रही है, अनबिलीवर रिकॉर्ड ब्रेकिंग कलेक्शन कर रही है। ये कोई छोटी बात नहीं है, किसी ने बिल्कुल सही कहा है कि अगर फिल्म की स्टोरी, फिल्मों में किरदारों की एक्टिंग और परफॉर्मेंस ऑडियंस को सिनेमाघरों में पसंद आता है तो दोस्तों वही फिल्म बॉक्स पर चल पाती है। यही वजह है कि दोस्तों विजय थालापति की फिल्म द गोट फिलहाल बॉक्स पर छप्पड़ फाड़ की कमाई कर रही है और फैंस के दिलों में राज कर रही है। वहीं दोस्तों, अगर बात करें फिल्म की आज यानी 9वें दिन के बॉक्स ऑफिस कलेक्शन के बारे में, तो दोस्तों उससे पहले मैं आप लोगों की जानकारी के लिए मैं आप लोगों को बता चलूं कि जहां फिल्म ने अपने रिलीज के ओपनिंग डे पर ही 44 करोड़ रुपए करीब इंडिया से नेट ओपनिंग ली थी, तो वहीं दोस्तों फिल्म का हमें इंडिया से ग्रोस कलेक्शन देखने को मिला था ओपनिंग डे पर 52 करोड़ रुपए करीब। फिल्म ने ओवरसीज से ओपनिंग ली थी लगभग दोस्तों 48 करोड़ 75 लाख रुपए करीब। तो वही फिल्म का हमें वर्ल्ड वाइड कलेक्शन देखने को मिला था ओपनिंग डे पर 100 करोड़ 75 लाख रुपए करीब। तो वहीं अपने रिलीज के दूसरे दिन फिल्म ने लगभग 25 करोड़ 50 लाख रुपए करीब इंडिया से नेट कलेक्शन की थी। तीसरे दिन फिल्म ने लगभग 33 करोड़ 50 लाख रुपए करीब इंडिया से नेट कमाई की थी। चौथे दिन फिल्म ने लगभग 34 करोड़ रुपए करीब इंडिया से नेट कमाई की थी। तो वही फिल्म का हमें 5वें दिन कलेक्शन 14 करोड़ 75 लाख रुपए करीब इंडिया से नेट देखने को मिला था। अपने रिलीज के 6वें दिन फिल्म ने लगभग 11 करोड़ रुपए करीब इंडिया से नेट कमाई की थी। तो वही 7वें दिन फिल्म का हमें कलेक्शन 8.5 करोड़ रुपए करीब इंडिया से नेट देखने को मिला था। तो वही दोस्तों, फिल्म ने जहाँ पूरे 7 दिनों में टोटल इंडिया से नेट कलेक्शन कर ली थी लगभग दोस्तों 171 करोड़ 25 लाख रुपए करीब। तो वही फिल्म का हमें इंडिया से ग्रोस कलेक्शन देखने को मिला था पूरे 7 दिनों में टोटल 201 करोड़ 20 लाख रुपए करीब। तो वही फिल्म का ओवरसीज कलेक्शन हो चुका था पूरे 7 दिनों में टोटल 130 करोड़ रुपए करीब। फिल्म ने वर्ल्ड वाइड से कलेक्शन कर ली थी पूरे 7 दिनों में टोटल 331 करोड़ 20 लाख रुपए करीब। तो वही दोस्तों, अपने रिलीज के 8वें दिन भी फिल्म ने आउटस्टैंडिंग कलेक्शन की थी, नेक्स्ट लेवल का ग्रोथ देखने को मिला था 8वें दिन लगभग दोस्तों 6.5 करोड़ रुपए करीब फिल्म ने इंडिया से नेट कमाई की थी 8वें दिन। तो वही दोस्तों, आज यानी अपना रिलीज के 9वें दिन भी फिल्म बॉक्स पर है काफी अच्छी कमाई कर रही है। जी हाँ दोस्तों, बता दें कि 5.14 करोड़ रुपए करीब आज यानी 9वें दिन फिल्म इंडिया से नेट कमाई कर रही है। तो वही दोस्तों, बता दें कि जहाँ फिल्म का पूरे 9 दिनों का हमें टोटल बॉक्स ऑफिस कलेक्शन इंडिया से नेट देखने को मिल रहा है 182 करोड़ 92 लाख रुपए करीब। तो वही फिल्म इंडिया से ग्रोस कमाई कर रही है पूरे 9 दिनों में टोटल 217 करोड़ रुपए करीब। तो वही फिल्म का ओवरसीज कलेक्शन हो रहा है पूरे 9 दिनों में टोटल 135 करोड़ रुपए करीब। तो वही फिल्म पूरे दुनिया भर से कमाई कर रही है पूरे 9 दिनों में टोटल 351 करोड़ 72 लाख रुपए करीब। दोस्तों, इस फिल्म को रिलीज होने के लिए उतने अच्छे खासे सोच भी नहीं मिल रहे होंगे, क्योंकि दोस्तों जैसा कि आप लोगों को पता ही होगा कि फिलहाल बॉलीवुड और साउथ की एक से बढ़ के एक बड़ी फिल्में चल रही हैं इंडियन सिनेमा में। तो दोस्तों कहीं ना कहीं इस फिल्म को सोच उतने अच्छे खासे नहीं मिल रहे होंगे, फिर भी दोस्तों इस फिल्म को जितने भी सोच मिल रहे हैं उन्हीं सोच से फिल्म बॉक्स पर आप लोग देख ही सकते हैं कि किस तरह जोरदार कमाई कर रही है। दोस्तों, इस फिल्म का बजट लगभग 400 करोड़ रुपए करीब, और दोस्तों कहीं ना कहीं ये फिल्म अपने बजट को रिकवर करने वाली है जल्द ही। दोस्तों, जिस तरह इस फिल्म को लेकर ऑडियंस के बीच हाइप और क्रेज बना हुआ है, दोस्तों कहीं ना कहीं बस कुछ ही दिन लगेंगे इस फिल्म को एक हिट मूवी साबित होने में। वैसे दोस्तों, क्या आप लोग इस फिल्म को देख चुके हैं और आपको ये फिल्म कैसे लगी हमें कमेंट्स में अपनी अपनी राय जरूर से बताइएगा। दोस्तों, आज की वीडियो से इतना ही, मिलते हैं किसी करोड़ों के साथ, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर, बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।